हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अबी स्टूडियोज़ हिंदी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने विंडोज़ का लैपटॉप ऑन किया है और आपको इस तरह का एरर आ रहा है कि विंडोज़ में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड नहीं है और आप एक बूटेबल पेन ड्राइव को यूज़ करके अपने लैपटॉप में विंडोज़ को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं और उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ जाएँ, क्योंकि मेरे साथ आ गई थी, तो मैंने सोचा इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना देते हैं, डेडिकेटेड वीडियो, जिससे कि मेरे जो भी फ्रेंड्स इस तरह का विंडोज इंस्टॉल करना चाहेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर फेस करते हैं तो इजीली घर बैठे ही वो ठीक कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट इस सारी प्रोसेस को हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं हमारी मेन प्रॉब्लम के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो डिस्क ज़ीरो आप देख रहे हैं, डिस्क ज़ीरो पार्टीशन 1 223 GB का SSD है, उसमें विंडोज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे ये दिखा रहा है विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस, शो डिटेल्स। और भी जितने पार्टीशन है मैं उसमें इंस्टॉल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि SSD फास्ट होती है और मैंने स्पेसिफिकली इसमें SSD इंस्टॉल करवाया है। विंडोज इसमें पहले भी था बट मैं कुछ अपडेट कर रहा था जिसके कारण विंडो आई थिंक क्रैश हो गया, अब मैं दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे आप देखिए, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू द डिस्क, सेलेक्टेड डिस्क टाइप हैज एन MBR पार्टीशन ओनली, विंडोज कैन ओनली बी इंस्टॉल टू GPT डिस्क। तो इस तरह का कुछ एरर दिख रहा है हमको, तो इस एरर को हमको करना है सॉल्व। तो इसके लिए आपको विंडो में प्रेस करना है Shift+F10 और उसके बाद सबसे पहला कमांड जो आप इसमें देंगे वो आएगा डिस्क पार्ट। तो दोस्तों, डिस्क पार्ट कमांड देने के बाद आप ध्यान रखें डिस्क और पार्ट के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। देखिए, मैंने स्पेस दे दिया इसलिए कमांड एक्सेप्ट नहीं हुआ। दोबारा से कमांड देते हैं डिस्क पार्ट, एंटर करेंगे, कमांड एक्सेप्ट हो गया है। डिस्क पार्ट के बाद आपको क्या कमांड देना है, यहाँ पर लिखना है लिस्ट स्पेस डिस्क। तो अब देखिए, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखा रहा है, डिस्क ज़ीरो, डिस्क वन, डिस्क टू। डिस्क ज़ीरो 223 GB का SSD है, जिसमें हमें विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। डिस्क वन जो टोटल मेमोरी है हमारे लैपटॉप का 1 TB, वो दिखा रहा है इसमें 931 GB अवेलेबल है अभी, ठीक है, मतलब कि साइज़ उसका 931 GB है। 223 GB का जो SSD है उसमें हमको इंस्टॉल करना है हमारा विंडोज़। तो अभी हम क्या करेंगे, डिस्क पार्ट के बाद हम यहाँ पे कमांड देंगे सेलेक्ट डिस्क, ठीक है, सेलेक्ट डिस्क स्पेस ज़ीरो, क्योंकि डिस्क ज़ीरो हमको सेलेक्ट करना है, क्योंकि डिस्क ज़ीरो में ही हमको विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। तो अब डिस्क ज़ीरो हो गया है सेलेक्ट। अब नेक्स्ट कमांड हम देंगे इसमें क्लीन, क्लीन कमांड देके आप इंटर करेंगे, जो आपका जिस डिस्क को आपने सेलेक्ट किया है वो क्लीन हो जाएगा। क्लीन हो जाएगा मतलब कि उसमें जो भी डाटा अवेलेबल था वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा और फॉर्मेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कमांड देना है MBR और कर देना है इंटर। इंटर करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपके स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होंगी, इन सारी चीज़ों को बाईपास कर दीजिए, इस विंडो को क्लोज कर दीजिए और फिर से चलते हैं हमारे पुराने विंडो के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, अभी भी वार्निंग आ रहा है कि इस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं आप। तो हम क्या करते हैं, वापस से सारा प्रोसेस जो है रिपीट करते हैं विंडोज़ को इंस्टॉल करने का, इन सारी चीज़ों से वापस चलते हैं। ओके, फिर से करते हैं विंडो को इंस्टॉल। आई डोंट हैव द की, विंडोज़ होम 64-bit हम करेंगे इंस्टॉल अपने सिस्टम में। एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो अब देखिए, 223 GB का जो हमारा SSD है वो अलॉटेड स्पेस में आ गया है और नेक्स्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया है। तो अब इजीली मैं इसको करूँगा नेक्स्ट और अब देखिए हमारा विंडोज़ का इंस्टॉलेशन हो गया है स्टार्ट। तो इस तरह का एरर आने के बाद आप घबराइए नहीं, इस तरह के स्टेप्स को फॉलो कीजिए और ईजिली आप ये सारे प्रॉब्लम्स घर बैठे हैं ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा हम और भी वीडियोज़ बनाएंगे अभी, इसमें विंडोज़ को किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग अ बूटेबल USB ड्राइव, और एक बूटेबल USB ड्राइव आप किस तरह से बना सकते हैं घर में किसी भी पेन ड्राइव को यूज़ करके, उसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो बनाया है, तो वो आप चेकआउट कर लीजिए, वो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।